ये एक जो सारण में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद उत्पाद विभाग की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें जो जितने भी पुलिस थाना है और उत्पाद थाना है जहां पर स्पिरिट की रिकवरी हुई है उसके स्टॉक का वेरिफिकेशन करने के लिए संयुक्त आदेश से टीम बनाई गई है, जिसमें दंडाधिकारी और उत्पाद विभाग के एक पदाधिकारी प्रत्येक थाना में जाएंगे और जहाँ पर भी स्पिरिट जब्त हुई है उसके स्टॉक का वेरिफिकेशन करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, छपरा में जिस तरीके से पिछले दिनों करीबन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 लोगों से अधिक जो व्यक्ति हैं उनकी मौत हो गई जहरीली शराब पीने से, जिसके बाद बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। बिहार में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर और शराबबंदी पर कई सवाल खड़े कर रहा है और जिसको लेकर अब देखिए एक टीम बनाई गई है, मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक निर्देश दिया गया है, जारी किया गया है, जिसकी पुष्टि पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने भी कर दिया है कि पटना के तमाम थानों में और तमाम जगहों पर अगर हम बात करें राजधानी की तो एक मद्य निषेध विभाग की टीम जाएगी और जब्त स्पिरिट, जो भी स्पिरिट जब्त होते हैं, जो ड्रम में बंद होते हैं, उसकी जांच करेगी और सब कुछ रिपोर्ट जो है वो मद्य निषेध विभाग को सौंपा जाएगा कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कह रहे हैं। ये एक जो सारण में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद उत्पाद विभाग की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें जो जितने भी पुलिस थाना है और उत्पाद थाना है जहां पर स्पिरिट की रिकवरी हुई है उसके स्टॉक का वेरिफिकेशन करने के लिए संयुक्त आदेश से टीम बनाई गई है, जिसमें दंडाधिकारी और उत्पाद विभाग के एक पदाधिकारी प्रत्येक थाना में जाएंगे और जहां जहां पर भी स्पिरिट जब्त हुई है उसके स्टॉक का वेरिफिकेशन करेंगे। और जब हम लोग जाँच करने के लिए भी भेजते हैं तो एक सैंपल हम लोग जाँच करने का रखते हैं, तो उसको भी जाँच करते हुए ये निर्णय हुआ है कि आगे से जितने भी सैंपल हैं उनको जो कुमरहार में उत्पाद निरीक्षक का कार्यालय है वहाँ पे सेंट्रल लेबोरेटरी में सुरक्षित रखा जाएगा, वो स्टॉक वेरिफिकेशन का काम पूरे पटना जिला में चलेगा। तो आपने सुना, एक दंडाधिकारी के साथ साथ मद्य निषेध विभाग के अधिकारी भी इस टीम में मौजूद रहेंगे और अगर हम बात करें पटना की तो पटना के तमाम थानों में ये अधिकारी पहुंचेंगे और देखेंगे जितने भी स्टॉक जब्त हुए हैं स्पिरिट के, तो उसको जांच करेंगे, सैंपल के लिए भी भेजा जाएगा। आपको बताएं कि जब छपरा में एक बड़ा कांड हुआ था उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके अनुसार सारण में जहरीली शराब कांड के बाद थानों में स्पिरिट की जांच का निर्देश जो है मद्य निषेध विभाग की तरफ से दिया गया है। इसके लिए एक टीम पुलिस थाना और उत्पाद थाना जाएगी। आपको बताएं कि विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और इस निर्देश के तहत अब राज्य में सभी पुलिस थानों और उत्पाद थानों में एक स्पेशल टीम जाएगी जो थानों में जब्त करके रखे गए स्पिरिट के स्टॉक की जांच करेगी, पता लगाएगी कि क्या जब स्टॉक सही सलामत है या फिर अवैध रूप से रुपए कमाने के चक्कर में पुलिस अधिकारियों ने उसे बेच दिया। क्योंकि ऐसे खबरें जो थी वो छपरा से निकल कर आ रही थी, लोगों ने शिकायत भी किया था, वीडियोस भी खूब वायरल हो रहे थे कि जिस थाने में स्पिरिट जब्त है वो गायब हो रहे थे और जिसके बाद मद्य निषेध विभाग एवं उत्पाद विभाग की नींद जो है वो जाग गई है और एक बड़ा निर्देश बिहार के तमाम थानों में और राजधानी के थानों में जो है वो जारी कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग के तरफ से अधिकारी जाएंगे, एक दंडाधिकारी और एक मद्य निषेध विभाग के एक बड़े अधिकारी पहुंचेंगे तमाम थानों में, जब स्पिरिट की जांच करेंगे और अगर कुछ भी गलत पाया गया तो कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, कार्रवाई भी होगी। जो भी जब मालखाने में स्पिरिट होता है अगर वो गायब रहेगा तो थानेदार पर भी गाज गिर सकती है। बहरा इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।